कहाँ जा रहे हो? ये तो देख ले ऊपर। तो चलो फिलहाल निकलते हैं, चलो निकालो बाइक निकालो। हेलो, टाटा नहीं करेगा? तो चलो फिलहाल चलते हैं। हाय कर दे, हाय कर दे, टाटा का बोल दे। हम जा रहे, कहाँ जा रहे बता दे। Hi guys and welcome to the new vlog and hopefully you guys are enjoying our vlogs। और फिलहाल अभी मैं ड्रॉप करके आया हूँ नीरू, डैनियल और भाई को। वो लोग जा रहे हैं मुजफ्फरनगर, सो फिलहाल उनको मैं स्टेशन ड्रॉप करके आया हूँ। और एक्चुअली वीडियोस तो रिकॉर्ड करी थी लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं आ पाई थी, सो फिर दोबारा से जो मेरे को व्लॉग की स्टार्टिंग है वो करनी पड़ रही है। और फिलहाल अभी मैं फ्री हुआ हूँ अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो बना करके, और फिलहाल छत में ही हूँ अपने मुर्गियों के आसपास ही हूँ। सो इनको फीड भी कर दिया है मैंने, पानी इनके लिए लगा दिया है, और जो दूसरे चैनल के लिए वीडियो है वो भी रिकॉर्ड कर ली है। और फिलहाल आज और कल मैं हूँ अकेले घर में, सो घर का जो काम है वो भी सारा करना पड़ेगा। फिलहाल टाइम भी हो गया 8:30, सो चलो फिलहाल जो डेली रूटीन वर्क्स है वो मैं अपने कर लेता हूँ, क्योंकि फिर उसका ब्रेकफास्ट भी करना है। हालांकि अभी नीरू बना के गई है ब्रेकफास्ट, सो ब्रेकफास्ट करके फिर उसके बाद ऑफिस भी निकलना है। सो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने डेली रूटीन्स को। सो फिलहाल अभी अपना ब्रेकफास्ट हो गया है, तैयार भी हो गया और अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। और साथ ही जो मौसम है वो भी थोड़ा सा ख़राब होने लगा है, और घर में भी कोई नहीं है, तो जो नॉर्मल अपना लॉक है वो वाला हम नहीं लगाएंगे आज। आज मैं लगाने वाला हूँ ये अपना सेंटर लॉक, क्योंकि दिन भर भी जो ताला टंगा हुआ घर में वो अच्छा नहीं लगता है। सो इस वजह से जब भी घर में अगर मैं अकेला रहता हूँ तो फिलहाल मैं सेंटर लॉक लगाता हूँ। सो चलो चलते हैं फिलहाल और ऑफिस के लिए भी निकलते हैं। तो खैर हो गया अपना लॉक। और चलो फिलहाल मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। तो फिलहाल अभी हो गया अपना लंच ब्रेक, और अभी हम आए हैं इस रेडी में छोले कुलचे लेने के लिए। पैक करवा के जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, और आधा स्टाफ अपना इधर ही, आधा क्या 2-3 बंदे इधर है। ये देखो एक ही है, और ये रेडी हो रहे हमारे छोले कुलचे। क्योंकि ऐसे प्लेट में वो कुलचे रखते हैं ना, सही से नहीं रखते ना वो। तभी मेरे को सेक रहे हो। तो फिलहाल अभी हमने करवा लिए छोले कुलचे पैक, ये रहे, और हम जा रहे हैं खाने के लिए दूसरी तरफ, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है। तो गाइस फिलहाल अभी ऑफिस से आया हूँ और बस बैग ही रखा है। और एक्चुअली मैं दिन में खैर मैं घर का चक्कर नहीं काट पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। सो सबसे पहले जा कर के चलो मुर्गियों का चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर कोई दिक्कत ना हुई हो। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि दिन में बारिश हुई थी, अलग पर्दा ऊपर ही था, चक्कर तो मैं काट नहीं पाया। तो खैर पानी वानी कुछ आया नहीं अंदर, दाना पानी सब कुछ है ठीक। तो चलो चलता हूँ, अब चेंज करूँगा क्योंकि अभी तक मैंने चेंज भी नहीं करा है। बस आ करके सबसे पहले यही था, क्योंकि घर में आज नीरू भी नहीं है, भाई भी नहीं है, अकेला हूँ, तो भाई जब कोई चीज़ रखी है उसका केयर भी करना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने चलो पहले चक्कर काट लेता हूँ ऊपर। चलो फिलहाल अब ठीक है, सब चेंज वेंज कर लेता हूँ मैं, फिर देखते हैं उसके बाद क्या प्लान बनता है अपना। और बात करें अगर मौसम की, तो अभी तो खैर फर्स्ट क्लास हो रखा है मौसम। ये देखो सनसेट भी हो रहा है इधर, और मौसम खैर खुल ही गया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब दिन में तो खैर हुई थी अच्छी खासी बारिश हुई थी, और फिलहाल अभी खुला पड़ा है सब। तो चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ प्लान करता हूँ क्योंकि अकेला हूँ, घर में भी क्या करूँगा, कहीं ना कहीं निकल ही जाता हूँ। सो चलो फिलहाल पहले चेंज करूँ, फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है। सो फिलहाल अभी अपना चेंज भी हो गया, रेस्ट भी कर लिया थोड़ा बहुत, क्योंकि कल एक्चुअली मैं रात में पता नहीं नींद क्यों नहीं आई, और आज ऑफिस में बैठा था तो
मतलब अजीब सा ही फील हो रहा था, एकदम टेंशन सी हो रही थी, पता नहीं क्यों, थकान सी भी हो रही थी क्योंकि रात पर सोया नहीं। फिर सुबह भी थोड़ा जल्दी उठा क्योंकि नीरू और डेनियल को भी ड्रॉप करने के लिए जाना था। चलो खैर, फिलहाल तो अब हो गया सारा काम, और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ यमुनानगर हो जाता हूँ क्योंकि मुर्गियों के लिए कुछ दवाई लेकर के आनी है मैंने। सो चलो चलता हूँ, फिर वहाँ से शायद कुछ खाने पीने का भी ले आऊँगा क्योंकि आज अकेले हूँ घर में। सो वैसे तो कोशिश करूँगा घर खुद बनाने के लिए, बाकी देखते हैं, अगर कुछ ठीक ठाक से मिल जाता है तो वो भी लेता आऊँगा। सो फिलहाल अभी खैर मार्केट से आ गया हूँ और ये मेडिसिन लेकर के आया हूँ मैं अपने बर्ड्स के लिए। हालांकि इधर तो लिखा हुआ है फॉर डॉग्स एंड कैट्स, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी को दे सकते हैं कि कैल्शियम सिरप है, कैल्शियम प्लस विटामिन्स है। सो फिलहाल ये लेकर के आया हूँ, और घर घुसते ही एक दिक्कत हो गई, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। और घर के अंदर क्या, बाकी गेट से बाहर भी ये दिक्कत हो रही है। देखो अब लाइट जली हुई है तो ये जो कीड़े हैं एकदम से इतने सारे हो गए, नीचे भी गिरे पड़े हैं ये देखो। सो फिलहाल लाइट मेरे को बंद करनी पड़ेगी, इवन घर के बाहर भी ऐसे ही हो रखा है। घर के बाहर क्या मतलब, जो स्ट्रीट लाइट है उसमें भी ऐसे ही हो रहे हैं। घर के अंदर की कंडीशन तो आपने देख ली, घर के अंदर तो खैर क्या, बरामदे में है। और दूसरी दिक्कत ये हो जाती है, जैसे भी मैं अंदर बैठा था, अगर लाइट कम जले तो रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है, अंधेरापन आता है। सो इस वजह से घर के अंदर की भी सारी लाइट जलाई है, लेकिन खैर अभी तक तो कीड़े गए नहीं अंदर, बाहर से भी मैं दिखा देता हूँ। खैर बाहर का तो अभी इतना साफ दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ रहा है और कैमरा इतना फोकस नहीं कर पा रहा, और अंदर की कंडीशन आपने देख ली। सो फिलहाल मैं लाइट कर देता हूँ बंद, ताकि जो ये सब कीड़े हैं ये घर से बाहर निकल जाए। तो चलो अभी कर देता हूँ, बाहर वाली लाइट खैर जल रही है, पर्दा ढका हुआ था इस करके दिख नहीं रहा है। और अब दिक्कत ये है, ये देखो लाइट बंद करते ही ये दरवाजे मारने शुरू हो गए। तो पहले तो खैर मैं इसको जला ही देता हूँ, ये देखो मेरे ऊपर भी आने लग गए देख लो। सो खैर, तो पहले मैं कर लेता हूँ घर के अंदर की सारी लाइटें बंद, और उसके बाद करूँगा मैं बाहर की लाइट बंद। क्योंकि एक भी अगर अंदर आ गया, वैसे तो आ ही गए एक आधे, तो खैर चलो फिर भी, और देखता हूँ। फिलहाल खाने का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, नीरू है नहीं, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, अभी एडिटिंग शुरू भी नहीं करी है। और चलो फिलहाल खाने का जुगाड़ करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे बनाऊँगा या फिर चलो पहले एक बार बाहर से चक्कर काट आता हूँ, कुछ मिल गया खाने लायक ठीक ठाक। वैसे नान सोच रहा हूँ लेकर आने के लिए, सो चलो चलता हूँ, मिल जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो घर आ करके कुछ ना कुछ बना ही लूँगा। सो तब तक कीड़े भी भाग जाएंगे। सो फिलहाल घर की सारी लाइटें मैं कर देता हूँ बंद, क्योंकि ऊपर भी देखो अभी सारी लाइट्स हमें ऑन करके रखनी पड़ती है जब कभी रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि लाइट्स जो है वो कम है। सो चलो फिलहाल बंद कर देता हूँ, फिर चल रहे हैं बाहर। और ये भाई हो गया अंधेरा पूरा, अब घर की तो हो गई सारी लाइट्स बंद, बाहर की भी मैं कर देता हूँ और सीधे सीधे बाहर निकल जाऊँगा ताकि कीड़े भी बाहर निकल जाए। और ये भी हो गया भाई बंद, अब बाकी केवल अपनी ये वाली लाइट बाहर की। और ये देखो बस अभी बाहर से आया ही हूँ, लाइट बंद करके गया था। सो जो कीड़े थे सारे सारे लगभग भाग गए, जो बचे बचे एक आते थे वो छिपकलियाँ खा ले रही, ये देख लो ये खा लिया इसने, एक छिपकली ये घूम रही है, ये भागी। सो फिलहाल थोड़ी देर रहने देता हूँ ये वाली लाइट भी बंद। सो फिलहाल अभी बाहर से होकर के आया हूँ, और मतलब डिनर के लायक कोई चीज़ मिली नहीं, फास्ट फूड था जहाँ पे भी देखा। सो फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना घर में ही कुछ बना लिया जाए। और नीरो एक्चुअली आटा भी रख के गई थी सुबह, उसने गूंथा था, तो मैं यही सोच रहा हूँ रोटी बनाऊँगा। सो सब्जी की टेंशन, वैसे एक अंडा है लेकिन एक अंडे में फिर कुछ होगा नहीं, सो मैं सोच रहा हूँ कुछ मिक्स करके बनाते हैं। सो फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, आटा, प्याज, उसमें एक एग और मसाले वसाले मिला करके सब कुछ घोल लूँगा, और उसको एक ऑमलेट की तरह तवे में फ्राई कर लूँगा। सो चलो फिलहाल कर लेते हैं तैयारी। ये अपना प्याज मैंने छील ही दिया, और ये उसका कटर, तो इसमें मैं काट लेता हूँ इसको बारीक बारीक,
और फिर उसके बाद आटे वगैरह में घोल करके उसको अच्छी तरीके से बना देते हैं। सो फिलहाल हो गई मेरी तैयारी। ये मैंने ले लिया आटा और आटे में थोड़ा नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, इधर आधा टमाटर ले लिया, मिर्च ले ली, प्याज ले लिया। इन सबको तो खैर मैं बारीक काट लेता हूँ, फिर उसका आटे में मिक्स कर दूंगा। और एक ये एग रखा है अपनी मुर्गी का, सो ये भी इसमें मैं मिक्स कर लूँगा। तो चलो फिलहाल कर लेता हूँ मैं शुरू। तो ये गए मेरे प्याज, सब मिक्स ही कर लेता हूँ क्योंकि मिक्स करना ही है जब। तो प्याज गए, टमाटर गए, हरी मिर्च गई और ये लग गया ऊपर से। और ये इस तरह से मैंने इसको कर लिया लॉक, और बस ये इस तरह से करके ये हो जाएंगे बारीक बारीक। तो फिलहाल अभी ये हो गया रेडी, मैं इसको खोल लेता हूँ। और ये देखो अंदर से, तो इस तरह से ये हो गया, चटनी की तरह पीस गया। ज़्यादा बारीक तो नहीं हुआ लेकिन काम चलाने लायक है। सो ये मैंने कर दिया इसमें मिक्स, निकाल लेता हूँ इसको अच्छे तरीके से। निकाल दिया इसमें से मैंने, थोड़ा बहुत जो ढक्कन में लगा हुआ है वो और अभी साफ़ कर लेता हूँ। और अब इसमें बारी है एग की, तो अंडा भी मिला लेता हूँ मैं इसमें, फिर उसका इसको मिक्स कर लूँगा मैं बढ़िया करके एकदम। तो ये देखो कैसा रंग बिरंगा सा लग रहा है, प्याज तो हो गई बारीक, मिर्च रह गई है लेकिन। चलो अब इसमें एग मिला लेता हूँ मैं, और ये है अपनी मुर्गी का अंडा, तो इसको भी मिक्स कर लेता हूँ। और ये गया एग, इसमें लग रहा ना बढ़िया एकदम कलरफुल। सो अब इसको मैं कर लेता हूँ मिक्स। और थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी पानी की, तो पानी भी मिलाना है इसमें क्योंकि सेमी सॉलिड बनाना है, एकदम पतला भी ना हो, एकदम गाढ़ा भी ना हो। सो चलो फिलहाल मैं मिक्स कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कैमरा हैंडल करना भी दिक्कत कर रहा है। सो इसको बढ़िया करके मैं मिला लेता हूँ, बर्तन भी इधर उधर भाग रहा है। सो फिलहाल अभी मिक्सचर हो गया है रेडी, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, और मतलब तवे में इजीली फैल जाएगा। और फिलहाल तवा भी मैंने चढ़ा रखा है जो कि गर्म हो चुका है। सो चलो मैं करता हूँ स्टार्ट, हल्का सा डाल लेता हूँ इसमें रिफाइंड। और इसमें मैंने डाल लिया ये हल्का सा रिफाइंड, और इसको मैं फैला लेता हूँ ठीक से चारों तरफ ताकि जो बैटर है वो चिपके ना इसमें, यानी जो मिक्सचर है वो चिपके ना। और एक्चुअली ये फूड व्लॉग नहीं है लेकिन अब क्या करूँ, अकेला हूँ घर में, कुछ ना कुछ तो कंटेंट चाहिए ही। सो मैंने कहा चलो बनाते हुए दिखा दिया जाए। सो तवे में तेल फैल चुका है और मिक्सचर ही अपना हाई रेडी। सो फिलहाल मिक्सचर को मैं डाल लेता हूँ तवे में, और इतना पतला है कि इजीली फैल भी जाएगा। तो ये देख सकते हो, तो लगभग 1.5 चम्मच के आसपास मैंने डाल दिया, और इसको फैला लेता हूँ मैं। फिर अगर ज़्यादा गाढ़ा होता था तो फैलने में दिक्कत होती है, तो इस तरह से फैला लेता हूँ। गोल तो नहीं बन पाया, पता नहीं क्यों नहीं, रोटी फिर भी मिल जाती है मेरे से गोल, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं बन पाते। ये लगभग चढ़ा दिया मैंने, जितना फैलना था उतना फैल चुका है, और गैस एकदम लो फ्लेम कर रखी है मैंने। तो थोड़ी देर इस साइड से पकने देते हैं, फिर दूसरी साइड से पलट देंगे। और ये देखो एकदम रंग बिरंगा सा दिख रहा होगा। तो एक साइड से तो लगभग लगभग बन चुका, चेक कर लेता हूँ मैं नीचे की तरफ से। और तवा आई थिंक ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन जलना तो नहीं चाहिए इसको, तो चलो पलट देता हूँ मैं। ये देखो तो खैर ठीक ठाक पक गया है एक साइड से, बाकी जो दूसरी साइड है उससे भी पकने देता हूँ। और क्योंकि रोटी बनाता फिर सब्जी की टेंशन थी, एक अंडे में मैंने आप लोगों को बताया पूरा पड़ता नहीं मुझे, तो यही इजी है। दही रखी है, तो दही और चीला ही बोलेंगे इसे भी एक तरह से, तो ये खा लूँगा। बाकी तो ये होता है कि चावल और दाल का बनता है चीला, और हम लोग कभी कभी ऐसे भी बना लेते हैं आटे का भी,
इसमें भी टेस्ट अच्छा ही आता है, बस आपका जो बैटर है यानी जो मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो टेस्ट वाइज बहुत सही लगता है मेरे को तो। खैर अब अकेला बंदा क्या क्या बनाए, तो इजी फूड यही हो गया। तो चलो एक तो लगभग रेडी है, बाकी भी मैं बना लेता हूँ। तो फिलहाल अभी एक तरफ बनते जा रहे हैं और इधर बने हुए रखे हैं, और यह है मेरी दही। सो बनाते बनाते मैं खा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, भूख भी लग रही है। सो चलो पहले मैं एक तरफ बनते रहेंगे, एक तरफ खाते रहूँगा, और इस तरह से अपने डिनर भी पूरा हो जाएगा। सो चलो खा लेता हूँ। सो गाइस फिलहाल टाइम हो गया है 12:08 और मेरी एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, बस ये वाला पोर्शन ऐड करना बाकी है। और साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड वंस अगेन गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।